जी इसमें कोई सच नहीं है जी। ये जो फेक वीडियोस चली हैं कि इसको DHA में घर दे दिया गया है, इसको एक गाड़ी दे दी गई है, इसको हमने करोड़ों रुपया दे दिया गया है इसको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो मुझे मुदस्सर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सर की बातें। देखते हैं और सुनते कानों को मेरा सलाम जी। तो नाज़रीन सना दो कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया ने इनको सराहा है, पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। सना भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी और दोस्त भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, गवर्नमेंट ने इनके साथ जो वादे किए थे, घर देंगे, टांग लगवाएंगे और भी जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट था, गवर्नमेंट ने इनसे वादा किया था, लेकिन वो वादे पूरे ना हो सके। बड़ी फेक वीडियोस लगती हैं जी, दाऊद भाई की टांग लग गई है, इनको घर मिल गया है, DHA में शिफ्ट हो गए हैं, बड़ा लग्जरी स्टाइल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दाऊद भाई के ज़बानी जानते हैं इस टाइम किस हालात से इनको गुजरना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दाऊद भाई, सोशल मीडिया पे आपको पता है जो खबर लगती है पूरी दुनिया उसको देखती है, ठीक है। लोग कह रहे हैं दाऊद भाई को घर मिल गया है, ठीक है, उनको गाड़ियाँ मिल गई, DHA में चले गए हैं, उनका एक बड़ा बहुत बड़ा लाइफस्टाइल हो गया है। हमारी नाज़रीन को बताएं इसमें कितना सच है। जी इसमें कोई सच नहीं है जी। ये जो फेक वीडियोस चली हैं कि इसको DHA में घर दे दिया गया है, इसको एक गाड़ी दे दी गई है, इसको हमने करोड़ों रुपया दे दिया गया है इसको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो मुझे मेरे बाजू भी लगा दिए हैं, टांग भी लगा दी है, यानी कि नीचे यानी कि बॉडी किसी और की है, ऊपर उन्होंने फेस मेरा लगाया, उन्होंने हमारा वलीमा कर दिया है, हम ऐसे घूम रहे हैं, उन्होंने मुझे राजा महाराजा बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फेक वीडियोज़ हैं, ना ही मुझे कोई घर मिला है, ना मुझे कोई गाड़ी मिली है, ना ही मुझे बाजू लगे हैं और ना ही मुझे टांग लगी है। हम अभी भी अपने मामों के घर में ही रहते हैं और हमारा जो भी हमारा खर्चा है या जो कुछ भी हमारा जैसे भी सिस्टम चला है वो सारा कुछ मामू ही चला रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे साथ वादे किए थे कि हम आपको घर भी देंगे, हम आपको टांग भी लगवाएंगे, हम आपको बाजू भी लगवा के देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दाऊद भाई, बैतुल माल की तरफ से एक सिर्फ 50,000 रुपया जो आपकी वीडियो में आपने बताया था, सना आपी ने बताया था कि ये हमें मिला है, उसके अलावा कौन कौन से वादे थे जो कि पूरे ना हो सके। जी 50,000 रुपया उन्होंने कहा था वो उन्होंने हमें दिया है, 50,000 रुपया हमें मिला था बैतुल माल वालों की तरफ से, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा उन्होंने हमें अपना घर का कहा था और बाजू और टांग का कहा था कि ये हम आपको लगवा के देंगे और घर भी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो सना आपी से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सना आपी। दाऊद भाई ने सारी चीज़ें क्लियर की, कुछ ऐसे वादे हों जो आपको दिल में बड़ी ना तकलीफ़ हुई हो कि यार लोग ऐसा है भी नहीं, लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे। जी काफ़ी लोगों ने यही कहा कि वीडियोज़ मैं देखती हूँ तो बाजू लग गए, टांग लग गई है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके सामने ही है, दाऊद साहब भी देख सकते हैं आप, जब टांग लगेगी बाजू लगेंगे फिर भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि हम वीडियोस में दिखा रहे हैं कि घर मिल गया है, इसको बाजू लग गया, टांग लग गया, तो कुछ भी नहीं। अफसोस होता है कि लोग ऐसी बातें बना रहे हैं। कुछ लोग मतलब काफ़ी, हाँ जी जी। सना अभी अभी लाइफ में क्या कमी महसूस होती है कि ये चीज़ें पास हो तो लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत हैप्पी हैं, मैं कहता हूँ कि आप गॉड गिफ्टेड गर्ल हैं हमारे सामने, ठीक है, बहुत बड़ी मोटिवेशनल हैं। जो स्टोरी है आपकी, पूरी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया ने आपको सराहा है, तो क्या फीलिंग होती है? दाऊद भाई तो मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि यार काश ये पास हों तो हम खुश हैं, क्या चीज़ें फील है वो? जी दाऊद साहब तो मेरे पास ही हैं और दाऊद साहब को मैं खुश देखना चाहती हूँ। टांग लग जाए, मेरे पास चल फिर सके, बाजू लग जाए और किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हो, घूमने फिरने जा सके। हाँ जी अभी जाते हैं तो मामू साथ ही होते हैं। हाँ जी वैसे तो मैं इसके बाजू हूँ, पर फिर भी कहती हूँ कि चलो टांग लग जाएगी, मेरे साथ चलता फिरता रहेगा और इसको भी ना महसूस हो कि मैं किसी के सहारे पे हूँ। कभी हमें कहीं जाना हो, वेट करना पड़ता है कि मामू आते हैं फिर हम जाते हैं,
तो टांग लगी होगी तो फिर हम मामू का वेट नहीं होगा। नाजरीन आपने देखा है, हैप्पी भी हैं दुख भी है। दुख इसलिए है कि जो चीज़ें इनके पास नहीं है लोग कह रहे हैं कि हमने दे दी हैं। दाऊद भाई का अभी आप दे सकते हैं, सेम है, डिसेबल हैं, पाँव नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं जी पाँव लग चुका है, घर मामू के पास ही रह रहे हैं। लोग कहते हैं DHA में इनको घर दे दिया गया। तो मैं कहता हूँ ये एक बड़ी एक हमारे माशरे में ना एक जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे भी हैं, एक स्टोरी को मजाक भी बना लिया गया है, जो लोग अपने व्यूज़ ले रहे हैं फेक। दाऊद भाई मुझे बताएं ज़रा कि जो बंदे ये काम कर रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें जिनको गैरत आ जाए कि यार अल्लाह के वास्ते ये काम ना करो। जी मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप वादा पूरा नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट वालों ने वादे किए मेरे साथ पूरे नहीं हुए, तो आप वादा किया ही ना करें, क्योंकि अगर आप किसी के साथ वादा करते हैं तो उस इंसान के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है और उसे ज़्यादा दुख तब होता है जब एक उम्मीद ऐसे उसके अंदर जगाई जाए और जब वो काम ना हो फिर ज़्यादा दुख होता है। तो आप ऐसा ना किया करें। और दूसरी बात यह है कि हमने अपना YouTube चैनल बनाया है दाऊद सना व्लॉग के नाम से, तो उसके जो सब्सक्राइबर हैं हम ऊपर शो करते हैं, जो जिन्होंने फेक चैनल बनाए हैं उनके सब्सक्राइबर ऊपर शो नहीं होते। हमारे जितने सब्सक्राइबर होते हैं हम उसके जो टैग होता है वो वीडियो के ऊपर लगाते हैं। और जो मेरे चैनल को भी ख़राब कर रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो यार आप तो कुछ और भी कर सकते हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ़ देखो, मेरी हालत को देखो, मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। तो अगर इस काम की वजह से मेरा घर सही तरीके से चल सकता है, हम खुश रह सकते हैं, तो प्लीज़ भाई आप ऐसा ना करो, थोड़ा सा ख्याल करो, बस यही, अल्लाह आपको खुश रखे। एक बात करने का मकसद ये था कि स्टोरी आपको ये नहीं कि इंटरटेन किया जाए, इसमें एक मैसेज है, डिसेबल हैं उनकी सपोर्ट करें, हेल्प करें। आप उनको इनके चैनल को वॉच भी करें तो इनकी हेल्प होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको डोनेट करें, वो करें, अच्छे लोग हैं करते हैं, लेकिन इनके चैनल को आप वॉच करते रहें यही काफ़ी है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर रशीद को इजाज़त दें और देखते रहें मुदस्सिर की बातें। अल्लाह हाफिज़।